लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात आज बहुत खुश हो? अरे रंजीत, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी बेटी का खाता है, वो लिखती है कि बाबा मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बस तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे इसीलिए मैंने खुशी में सब सेब बांट दिए। अरे तुम्हें नहीं भूला है, तेरे लिए भी है। ये मेरा जेब है प्यारे और तेरा सेब है। अरे चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे घर जाओगे? हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। दोनों खुश हैं। चलो फिर, दोनों खुश हैं। ए रंगा, एक दिन अपन भी एक पौवा पीकर झूमने लगते हैं यहाँ। छोटे साहब की गाड़ी में घूमने को तो मिलेगा। मुझे तू पौवा की बात करता? अपन एक बोतल पी रहे हैं, फिर भी सड़क पे चलते हैं। देख मेरा दौलत करा। अरे कमाल है, कमाल है। कल रात की बत्ती चल रही है, अभी तक जाली रही है। अच्छा बाबा, चलता हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, कुछ पिए बिना कैसे चले जाओगे? नहीं बाबा, मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो, मैं चलता हूँ। मैं समझ गया, अंग्रेजी नहीं ना, इसलिए नहीं पीना चाहते हैं। ये बात है बाबा। पियो। सुनो, दो घूंट तुम पियो, फिर दो घूंट मैं पीऊंगा, और फिर तुम दो घूंट पीना, फिर मैं दो घूंट पीऊंगा। और देखो, इस तरह जब तक खत्म नहीं होते हम घूट ही घूट जाएंगे। हम दो घूट से पीता हूँ। अरे भी सारी कहाँ पीते जाते हैं? क्या क्या कर रहा है कमाल? अरे मेरा इतना पी गया। कमाल की चीज है बाबा, कमाल की चीज। अरे कमाल की। अरे देखो भाई, तुम पहली बार मेरे घर आए हो और तुमने मेरी शराब पी है, इसके लिए थैंक यू। ये अंग्रेजी कब से शुरू कर दी? हिंदुस्तानी जब देसी पीता है तो अंग्रेजी बोलता है। आराम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत हो गई। बड़ा बदमाया, दो घूट मैंने पी। फोटो क्यों चाहिए? रूपा फर्स्ट क्लास से पास हो गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पास हो गया हूँ, तेरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ बाबा। अच्छा, अरे मुझे मालूम था। अरे बेटा किसका है तू? है, अरे वो भाग्यवान, हमारा मोहन क्लास में फर्स्ट आया है। जा लड्डू बांट सारे मोहल्ले में। ओ रूपा बिटिया, तेरा भैया फर्स्ट आया क्लास से। बेटे तू भी होता तो आज कितना खुश होता है, बहुत खुश होता तू भी। वंडरफुल, ब्लडी वंडरफुल। अरे क्या खबर आई अखबार में आज? क्या खबर? तुम साले उल्लू का पट्टो, तुम क्या समझोगे क्या खबर आई है? देखो देखो यार, खबर आई है फास्टर्स। देखो, एग्जीबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी, एग्जीबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी, हीरे और मोती और जवाहरात की दुनिया में ऐसी नुमाइश जो कि ना कभी हुई है ना कभी होगी, और एक महीने के अंदर वो नुमाइश लगने वाली। खबर तो बहुत अच्छी है बस, कम से कम 1 करोड़ रुपए के हीरे तो जरूर होंगे। अबे गधे की, तुम 1 करोड़ के हीरे तो मैं अपनी मुट्ठी में दबा नहीं हूँ। अबे चांद के चमकते हुए टुकड़े जो आसमान की गोद में मिलना मुश्किल है, सूरज की मचलती हुई वो किरणें जो कि इंसान की आंख ने आज तक नहीं देखा, पत्थर के अंदर पानी, ऐसी प्राइसलेस थिंग्स यू फास्टर्स, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और वो जब हम पा जाएंगे ना, तो दुनिया वाले साले चकराएंगे कि हम कितने अमीर हो गए। Exhibition of rare jewelry. Oh, it's wonderful, uncle. कमाल हो गया। कमाल ही नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। ये वो हीरे जवाहरात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया की आंखें तरसती हैं। इनकी जगह नुमाइश नहीं, हमारी तिजोरी है। लेकिन एक बात है अंकल, जहाँ इतने कीमती हीरे जवाहरात की नुमाइश हो रही है, वहाँ पुलिस भी बहुत होगी। मैं जानता हूँ, बहुत पुलिस होगी और न जाने क्या क्या इंतजाम होंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, रंजीत, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो।
ये बात है अंकल, तो फिर समझिए हीरे जवाहरात नुमाइश में नहीं, आपकी तिजोरी में बंद है। माय बॉय, माय बॉय। डन सर, हो सकता है कि उन जवाहरात की कशिश से कुछ लोगों के मुंह में पानी भरा है, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर देना चाहता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए। यस सर। तो फिर इस सिलसिले में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मुझे जल्द से जल्द ये बताया जाए कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है। यस सर। क्या हुआ? माय गॉड, कितना बड़ा सांप। किसी ने ठीक ही कहा है, गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा कुछ और बरसे। अंजू, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? जिंदगी के सब सपने अब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हां अंजू, कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। हम अपना एक घर बनाएंगे, उसमें एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसमें बस प्यार ही प्यार हो। प्यार ही प्यार अंजू। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत देर हो गई है, माँ परेशान होगी। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या सो रहे हो? उठो खेला। रंजीत ने तो अपने दिल की बात कह दी, वो तुझसे सचमुच प्यार करने लगा है, तू भी इससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो तेरी जबान तक नहीं आ सकता। अगर उसे असलियत का पता चल गया कि तू प्रताप के इशारों पर नाचती है, तो वो तेरे प्यार को प्यार नहीं धोखा समझेगा, तुझे भूल जाएगा, तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब ये सब कुछ और मुझसे नहीं हो सकता, मैं आपसे छुट्टी मांगने आई हूँ। छुट्टी? तुम कहना क्या चाहती हो? अब मैं और मिस्टर रंजीत के पीछे नहीं भाग सकती, क्योंकि हीरों की नुमाइश की बात एक बार भी उसके जबान पर नहीं आती। तुमने पूरी पूरी कोशिश नहीं की होगी। ये गलत है, हमारी आँख बहुत दूर तक देखती है अंजू। अगर ये गलत है तो तुम्हें साबित करना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि तुम रंजीत का पीछा नहीं छोड़ोगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगी, और अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ सब कुछ करोगी। नहीं नहीं, ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊ। ऑलराइट, अगर तुमसे इतना ज्यादा नहीं हो सकता तो फिर हमारा आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम आजाद। क्या काम? रंजीत को टेलीफोन करो, आज शाम को 4 बजे वो तुमसे नेशनल पार्क में मिलने आए। नेशनल पार्क क्यों? क्योंकि जो बात तुम उससे नहीं पूछ सकी ना, वो बात हम उससे पूछ लेंगे। आज शाम को 4 बजे नेशनल पार्क। दैट्स अ गुड गर्ल, गॉड ब्लेस यू स्वीटहार्ट। हेलो अंजू। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तुमने फोन कर लिया, वरना मैं सोच रहा था आज तुम फोन नहीं करोगी। क्या नेशनल पार्क? ये आज क्या सूझी तुम्हें? हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, हाँ ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। बस 4 बजने में अब ज्यादा टाइम नहीं है, इससे पहले कि वो उधर पहुंचे तुम्हारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। तुम जा सकती हो। भूषण, बलराम, विजय, मलोनी, कौन है अब पास्टर, जल्दी करो। ये छोकरी बिल्कुल बेकार है। रंजीत 4 बजे नेशनल पार्क आ रहा है, तुम लोग मेरे साथ चलो, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नुमाइश शुरू होने से पहले ये कांटा हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए। गेट रेडी यू बास्टर्ड। रंजीत, रंजीत हम यहाँ नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। क्यों, क्यों नहीं ठहरेंगे? तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में? क्या कह रही हो तुम? मैं बाद में बताऊंगी, चलो यहाँ से। Thank you.
से बचाने की कोशिश कर रही थी ना। बाहर निकाल दिया, भगवान जाने क्या होगा बाबा। नहीं भगवान, तुम रंजीत को नहीं छीन सकते।